चिकन वाला बर्गर।
close till I get up. Time is barely on us. मेरे दोस्त हमारे तारिक रोड ये बर्गर खाने के लिए आए। हाँ तो तेरे को रंगी टाउन में नहीं मिलता क्या? रंगी टाउन में तो खा के थक गया तू। नई जगह पर बना था ये बर्गर। कौन सा चिकन खा रहे? सबर सबर दे खा लो, तुम्हें क्या जल्दी हो रही है भाई? सब खा गया, कुछ नहीं बचा। इसका मुंह खोलेगा आप देखना, मत जल्दी डालो ये मुंह में। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तू ही गाड़ा क्या? मैं तो रेड को ले लूँ ना एक दबा कैमरे में। हमें लाइट की जैसे जैसे आगे बंद हो रही है कार आगे घूम। हवा का शोर इतना है, आवाज क्या कत्तू आएगी। वीडियो तुम बनाना चश्मा तारी होती हमारी। चश्मा उतारिये, चश्मा वही चश्मा तो उतार। हाँ तारा कैमरे में देख। मेरा भी चश्मा, अगर मेरा भी चश्मा टूटा ना अम्मा बहन पर खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बिहार टूट गया, बन गया। ऐसे दे के बनाया उनकी तरह थोड़ी गलो गिर के टूट गया। अरे तुम क्या लोकल चीज बनवाते हो बॉस? सबसे पहले भाई अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम सब्सक्राइबर को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और ईद है ना, ईद तो खत्म। पहले क्यों नहीं किया? पहले यार जरा मसूर चल रहा था, गाय वाई की कटिंग में गए हुए था दिहाड़ी लगाने ना। यूट्यूब से इनको नहीं किसी कम नहीं आ रही तुम्हारी। अपने भाई वो छोड़ो, बाकी ये बताओ अपना भाई सिस्टम ये था कि लगी हुई थी भूख और बर्गर खाने का मूड था, सेटिंग बन नहीं रही थी कहीं। औरंगी डॉन से आप मानो नहीं मानो इस वक्त मैं बैठा हूँ खालिद बिन बलीद और तारिक रोड पे सज्जाद भाई के बर्गर खाने आया इतनी दूर से। फिर सज्जाद भाई हमारे सज्जाद भाई
ये जो बर्गर है ना चिकन वाला, चिकन जो बर्गर है मानो नहीं मानो वीआईपी है। कभी आप विजिट करें यहाँ फिर आप भाई को याद करोगे, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे पीछे, कहीं सेटिंग वेटिंग बनती है किसी और चीज के खाने की तो फिर बनाएंगे उसकी भी। किधर उसका आसरा हो नहीं रहा कहीं से, कहीं बारबेक्यू वगैरह का सिस्टम डाले। पड़ा हुआ है बहुत पड़ा हुआ है। अगर चाहिए तो भाई निशान भाई से कॉन्टेक्ट करें, इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी ओके हो गया, बंद कर दो। चल किधर आया हुआ है? तारिक रोड पर आया। क्या करने के लिए आया हुआ है? तारिक रोड पर आए थे हम अंसार भाई के साथ बर्गर खाने के लिए, वो भी चिकन वाला बर्गर। कसम से झूठ बोलो, दुपट्टा देने के लिए आए थे मैडम का। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या भाई मैडम का दुपट्टा तो सब ये काम तो फजूल के हैं, हम बर्गर खाने के लिए। थक गए थे चिकन ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे सुना कि यहाँ पे चिकन बर्गर मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर हम चिकन बर्गर खाने आए भाई। और ये शर्ट तो तेरी बड़ी अच्छी है, कहाँ से लेकर आया? ये तेरी की शर्ट है। और ये पैंट? ये पैंट मैंने खरीदी है भाई। अरे जूते कितने के तेरे? ये जूते इतने के हैं कि इसमें अंसार भाई के पूरे 10 चप्पलें आ जाएंगी जो पहन ले। गजब बेइज्जती है। ये डंपर वाली चप्पल पहन के घूम रहे बॉस। अस्सलाम वालेकुम भैया, आप सबको मेरी तरफ से दिल से ईद मुबारक, बकरीद मुबारक, पोच मुबारक, बड़ा मुबारक, छोटा मुबारक, छोटा बड़ा मुबारक। का कोई पकने का कोई? बाकी यार बड़ा खुश हुआ इस बार बात के घर पे कुछ क्या है। कॉल आई थी इसी मेरे पास सुबह, देखो बोल रहा था गोश्त क्या है, फिर मैं थोड़ा सा देकर आया इसको। नहीं भाई फात सुबह सुबह ही निकल। फजर की नमाज में कोई गोश्त पहुंचाता है क्या भाई ईद के बाद? लेकिन ये जब ही निकल गया था, ये तारिक रोड की तरफ निकला। यहाँ पर भी आए तुम्हारे गोश्त की जिम्मेदारी, तुमने बोला मैडम पूरी खाए देंगे तुम लोग को, लेकिन तुमने बिल्कुल नहीं किया बॉस। यहाँ पर भी आके गोश्त का आसरा नहीं हुआ भाई, यहाँ पर भी नहीं हुआ आसरा। ये दोनों आए थे इसी चक्कर में कि गोश्त मिल जाएगा, यहाँ भी नहीं मिला। आप इन लोगों की मौत ही कर दोगे। जैसे अल्लाह का शुक्र है, हमने तो इतना भैरा लिया हुआ था माशाल्लाह से, तो गोश्त तो है घर पे, बाकी जैसे भी आ गया था हमारे से नक्शे पूरा एक जानवर किया था। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। बाकी आपने जो बोला था कि गोश्त के लिए चिकन विक्के के लिए, तो वो भी मैं तकरीबन 2.5 किलो 3 किलो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सही है।